हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था इस चीज़ का। मैंने रायपुर गया और ग्रुप डी आरआरबी बिलासपुर, आरआरसी एसएससीआर बिलासपुर रायपुर डिवीज़न के आज ज्वाइनिंग हो चुकी है दोस्तों। और फिलहाल अभी तक कैंडिडेट्स का कहना है कि सर अभी तक स्टेशन अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए रायपुर का स्टेशन है, काफ़ी भव्य नज़ारा होता है रायपुर का स्टेशन का भी, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम लोग पूरा एक एक करके देखेंगे जहां आज कैंडिडेट्स लोगों का था। तो खरुन रेल विहार सबसे पहले आप लोग को जाना था, ठीक है, आप लोग खुद गए हुए हैं, ठीक है। खरुन रेल विहार के बाद आप लोग को दिया था एड्रेस रेलवे इंस्टीट्यूट खरुन रेल विहार, है ना। तो ये रहा आप लोग का वो रेलवे इंस्टीट्यूट जहां आप लोग का आज होना था जॉइनिंग का, है ना। तो ये देख सकते हैं एसएससीआर इंस्टीट्यूट रेलवे इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ कितने कैंडिडेट्स का हुआ रायपुर में, तो लगभग दोस्तों 276 कैंडिडेट्स का होना था जॉइनिंग, है ना। और काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा आज दिन भर में, मतलब टाइम लग गया। और स्टेशन अलॉटमेंट स्टार्टिंग में तो क्या है कि आप लोग को बायोमेट्रिक का समस्या कर दिया गया, है ना, बायोमेट्रिक करवाया गया फिर से, है ना, दोबारा बायोमेट्रिक किया गया, यही एक अचंभित वाली बात थी। और अगर डीवी या सॉरी डीवी बोलता हूँ रिटर्न या सीबीटी में रिटर्न या फिजिकल का किसी का भी एक कभी हो जाता है तो वो सही मैच कर जाता है। एक आवश्यक सूचना था, स्टूडेंट्स नियुक्ति हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति आपको मन चाहे स्थान स्टेशन पर पदस्थापना के लिए प्रलोभन देता है तो उसके झांसे में ना आए और इसकी सूचना तुरंत निम्नलिखित को देवें। ये देखिए आप ये सभी नंबर्स को नोट कर सकते हैं ताकि आप लोग को कुछ भी इंक्वायरी करना है तो ये नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये सभी नंबर्स को, है ना, मतलब किसी के झांसे में आप लोग को नहीं आना है दोस्तों। ये एक आवश्यक सूचना था आज ऑफिस के बाहर, ठीक है दोस्तों। और काफ़ी स्टूडेंट्स लोग का कहना था कि सर क्या वहाँ भी ओबीसी का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगाया गया क्या नए फॉर्मेट में, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो चल जा रहा है जो आप लोग बना चुके हैं, है ना, जो आप लोग डीवी के दौरान। ये जो तस्वीर दिख रहा है ये है डीआरएम सर का, एक आए थे डीआरएम सर बीच में और उन्होंने काफ़ी शानदार स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, है ना, बताया कि रेलवे में आप लोग का स्वागत है और बहुत ही अच्छा करियर, आप बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़ गए हैं करके, ठीक है दोस्तों। और तो वही चीज़ है कि ओबीसी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लोग का बना हुआ है तो यहाँ दोबारा नहीं मांगे उस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। और मैंने कोशिश की कि पूरा एक एक लाइव कवरेज कर पाऊँ लेकिन कोई भी कैंडिडेट आगे आके अपना इंटरव्यू नहीं दिलाना चाहता था, तो इंटरव्यू का जो पोर्शन है दोस्तों वो लास्ट में दिखाऊँगा मैं आप लोग को। एक कैंडिडेट ने जो कि खुद ही हम मेरे समय में आनंद भाई ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और ये, है ना, तो उन्होंने अपना शेयर किया है, है ना, कि इंटरव्यू पूरा दिलवाया है उन्होंने, लास्ट में देखेंगे इस वीडियो के, ठीक है दोस्तों। और ये कुछ नज़ारा आप लोग देखते जाइए रायपुर का डिवीज़न का, आज ये जो शाम 5 बजे के ये दृश्य है, काफ़ी वेट करवाए स्टूडेंट्स लोग को, फिर लगभग 5:30 बजे के बाद शाम को ये काम शुरू हुआ उन लोग का थोड़ा फास्ट, है ना। ये आप देख सकते हैं ये स्टेज था जहाँ वो कार्यक्रम चल रहा था पूरा ज्वाइनिंग का, है ना। स्टेशन अलॉटमेंट तो अभी मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे तक तो स्टेशन ही अलॉटमेंट चल रहा है, मतलब आज के डेट में डीआरएम सर ने सूचित किया कि मतलब ऑर्डर दिया कि आज के डेट में इन लोग का सभी का हो जाना चाहिए। ये देखिए कैंडिडेट्स लोग काफ़ी वेट करते करते परेशान भी दिख रहे हैं, बट एक खुशी भी था कि इन लोग को जॉब मिल चुकी है, है ना। ये बहुत अच्छी पल थे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका जिनका रायपुर डिवीज़न में हुआ है, और मेरे तरफ से उन सभी कैंडिडेट्स को बधाइयाँ। ये देख सकते हैं आप लोग आरआरसी एसएससीआर रायपुर डिवीज़न का, आप देख सकते हैं जॉइनिंग का कुछ दृश्य, काफ़ी अच्छे हैं दृश्य है दोस्तों। इन सभी लोग फिज़िकल के बाद, रिटर्न के बाद फिज़िकल दिलाए और काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ तक आए दोस्तों, है ना। और अब फाइनली अब एज अ ग्रुप डी में ज्वाइन करेंगे दोस्तों। इसमें भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो काफ़ी कंफ्यूजन थे कि उनका एएलपी और ग्रुप डी दोनों में हुआ है तो सर किसका ज्वाइनिंग करना चाहिए, तो वो वहाँ कैंडिडेट्स लोग वहाँ चर्चा भी कर रहे थे काफ़ी ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ लोग से, ठीक है। तो इससे यही पता चला दोस्तों कि अगर आप लोग को रेलवे में ही रहना है तो आप लोग एएलपी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा है वहाँ का, ठीक है दोस्तों। और प्लीज़
आप लोग देखते रहिए थोड़ा सा, है ना। तो ALP और ग्रुप डी कौन सा पोस्ट अच्छा है, ये भी डिस्कशन चल रहा था दोस्तों एक कैंडिडेट का। तो उसमें ये पता चला कि अगर आप लोग को रेलवे में ही बने रहना है ना, तो ALP इज़ मच बेटर, क्योंकि वो ग्रुप सी की पोस्ट है। एक सर ने कहा कि ग्रुप डी से ग्रुप सी में उनको आने के लिए 10 से 12 साल लग गए थे, है ना। तो ALP इज़ मच बेटर, बट एक सर का और कहना था कि अगर आपको ग्रुप डी में SNT मिला है तो आप लोग को कुछ समय भी मिल सकता है, अगर आप लोग को आगे की पढ़ाई करनी है, आगे कुछ एग्ज़ाम्स राइट करने हैं। जैसे नियरेस्ट में अभी NTPC और जूनियर इंजीनियर JEE के एग्ज़ाम्स से कई कैंडिडेट्स के, तो उन सभी के लिए SNT इज़ मच बेटर, ग्रुप डी में ये पोस्ट ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, क्योंकि उसमें आप स्किप कर सकते हैं, है ना। और ALP में तो काफ़ी अच्छा बॉन्ड बनवाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे फोटोज़ लिया गया है मेरे द्वारा, है ना। और ये रायपुर, तो काफ़ी अच्छा दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए ताकि सभी को बेनिफिट हो सके, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स लोग का कहना था सर रायपुर डिवीज़न के ज्वाइनिंग पर आप बिल्कुल अपडेट दीजिएगा, ठीक है। और मैंने एक कैंडिडेट का इंटरव्यू भी लिया जो कि इस वीडियो के अंत में मैं शेयर करना चाहूँगा, आप लोग खुद देखिएगा, है आनंद कुमार नाम है उनका, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। और ये रहा वो इंटरव्यू, आइए देखते हैं इंटरव्यू में क्या बात हुई, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा देखिए इंटरव्यू। तो आनंद भाई, आज आपका रायपुर में ज्वाइनिंग है, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, और कहाँ से हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम बिहार से बिलोंग करते हैं। अच्छा अच्छा, क्या पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है? ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर जी। तो कितने मार्क्स लाए थे आप? मेरा 75 पॉइंट समथिंग था। अच्छा, मतलब और पोस्ट प्रेफरेंस क्या दिए थे आपने? पोर्टर दिए थे पहले। अच्छा, पोर्टर में मेरे ख्याल से ज्यादा मार्क्स के कारण नहीं हो पाया। नहीं, और आपको कितना टाइम लगा था इस ग्रुप डी में? मतलब ये पेपर हुआ था 2018 लास्ट ईयर हुआ था, है ना। तो काफी समय हो गया ग्रुप डी के द्वारा, ठीक है, रेलवे के द्वारा। तो आज का ज्वाइनिंग के बारे में बताइए, क्या हो रहा है आज सुबह से? आज सुबह से पहले तो हॉल में सबको बैठाया गया और सबको बताया गया क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, जैसे कि CBT 1 में हम लोग का जो एडमिट कार्ड था वो भी लग रहा था यहाँ पर, और सारे जो डॉक्यूमेंट लिखे हुए थे उसमें जो ज्वाइनिंग में लिखे हुए थे वो सारा चीज़ यहाँ लाने थे। अच्छा, लाना था। उसके बाद यहाँ अकाउंट भी खुल जा रहा था यहाँ पर, आराम से अकाउंट तो खुलवा दे रहे थे लोग। जी जी। तो अभी ज्वाइनिंग का पूरा चांसेस है कि आज दे देंगे, स्टेशन अलॉटमेंट कर देंगे? हाँ, आज डेफिनेटली पूरा चांसेस है, आज और कर ही देंगे। बीच में एक ऑफिसर आए थे, क्या नाम था उनका? DRM थे। DRM थे क्या? DRM थे, अच्छा, रायपुर के। अच्छा अच्छा, ठीक है आनंद जी। तो आज में आपका हो जाएगा पक्का है? हाँ, आप हमें व्हाट्सएप कर दिएगा आपको जो भी स्टेशन मिलता है, ठीक है। और आपको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है आनंद। ओके आनंद जी, धन्यवाद। तो आज इस तरीके से मैंने भी काफ़ी अप डाउन करके ये वीडियो अपलोड किया, और ये रहा मेरा रायपुर स्टेशन फिर से। और मैं कल बिलासपुर, आज मैं रिटर्न भी हो चुका हूँ बिलासपुर, ताकि कल बिलासपुर ALP की भी ज्वाइनिंग है तो वहाँ से भी लाइव कवरेज करने की पूर्ण प्रयास कर सकूँ दोस्तों। तो आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।